बच्चों आज बताती हूँ वो ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे कि हम दाल तो अक्सर रोज बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पानी ज्यादा डल गया, या फिर कोई बिगनर है ऐसा जिसको अंदाजा नहीं है दाल कैसे गलेगी, कितने पानी में गलेगी, तो पानी ज्यादा डाल देते हैं। अब ज्यादा पानी वाला क्या करें दाल, क्योंकि इतनी पतली दाल कौन खाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, इस दाल को हम एक कटोरे में रख देते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पानी पानी ऊपर आ जाता है दाल का। तो जब ऐसा हो जाए तब आप क्या करो, सारे पानी को निकालो, इस दाल का पानी इतना निकालो कि जितनी आपको कंसिस्टेंसी दाल की चाहिए। उसके बाद इस दाल को तड़का लगा दो। अब ये पानी का क्या करें, पानी को फेंक दें? नहीं नहीं, इस पानी को आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज आप खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें यूज कर लें, कोई रसे वाली सब्जी बना रहे हैं उसमें यूज कर लें, और कुछ नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आटा तो आप गूंथोगे, उसको इसी आटे से गूंथ लीजिए। थोड़ी हल्का येलो रोटी बनेगी, लेकिन रोटी बहुत ही पौष्टिक बनेगी, टेस्टी भी बनेगी। कई बार हमसे गलती ये हो जाती है, या कभी हम मार्केट से बाहर से हम रेस्टोरेंट से हम पनीर की सब्जी या कोई ऐसी सब्जी मंगवाते हैं या दाल, उसमें इतना ज़्यादा ऊपर से ऑयल होता है कि बिल्कुल खाया नहीं जाता। अब ऐसा कभी हो तो आप क्या करेंगे, करछी से इस ऑयल को धीरे धीरे निकालेंगे, लेकिन कई बार उस ट्रिक से हमारा ऑयल अच्छे से नहीं निकल पाता। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप क्या कीजिए, एक करछी लीजिए, उसके ऊपर ना बर्फ़ के पीसेस रख दीजिए। धीरे धीरे पहली बार में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके बाद आपका काम मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर का तड़के वाला ऑयल होता है ये या तो वनस्पति ये लोग घी यूज करते हैं या तो नॉर्मल घी यूज करते हैं, तो ये बर्फ की वजह से करछी के नीचे ये घी जमता जाता है और फटाफट ये घी आपका निकलता जाता है। ये देखिए, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन पूरा का पूरा आप घी निकाल पाएंगे इस तरीके से। ये देखा आपने, बर्फ की वजह से घी जो है या ऑयल जो है वो जम जा रहा है। ऑयल या घी जम जाए तो आपको निकालना उसे बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं आप। मैंने पूरा सब्जी का ऑयल या घी जो भी है उसके अंदर वो निकाल दिया है। मैंने भी आज रेस्टोरेंट से एक सब्जी मंगाई थी, तो जब इतना ज़्यादा तेल देखा तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं किया। तो मैंने तो ये ट्रिक फॉलो की है। क्या आपके साथ भी इस तरीके से कभी होता है, तब आप क्या करते हो, उसका कैसे तेल निकालते हो, मुझे भी ज़रूर बताना। देखा ना आपने कितना सारा तेल निकल गया है। अब इस सब्जी को यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सब्जी अब खाई जा सकती है, लेकिन इतने सारे तेल के साथ तो बिल्कुल नहीं खाई जा रही थी। और जो ये तेल है इसे आप एक बार गर्म कर लीजिए, उसके बाद छान के किसी दूसरी सूखी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने, कोई वेस्ट नहीं हुआ और हम भी आराम से इस सब्जी को खा सकते हैं। जैसे कि अभी साल भर में हम लोग एक अमियां काटने वाली मशीन होती है उसको यूज़ करते हैं, और जब हमें यूज़ नहीं होती हम उठा के ऐसी जगह रख देते हैं उसका याद ही नहीं आता। अभी जब मौसम आया है कैरी काटने का तो हमें याद आता है उस मशीन को निकालने का। जब मैंने मशीन देखी तो हैरान हो गई, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जंक लगी हुई है, इतनी ज़्यादा रस्ट लगी हुई है, मैं तो सोच में पड़ गई कि मैं कैरी को कैसे काटूंगी। कैरी काटने वाली मशीन को हम कैसे साफ करें मिनटों में? सबसे पहला तो आप ये काम कर लीजिए, कोई भी टाइप का टेप आपके घर में आता है, सफ़ेद पेपर टेप, सेलो टेप, जो भी आपके पास आता है, जहाँ पर वो शार्प पार्ट होता है ना इसका, कैरी कटने वाले का, तो वहाँ पर ना आप लगा दीजिए, जिससे हमारी उंगली वगैरह कभी कटे ना। उसके बाद लीजिए थोड़ा सा नमक और लीजिए थोड़ा सा नींबू या इमली या आमचूर, कुछ भी खट्टा चीज़ ले लीजिए। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसकी रस्ट को निकाल दीजिए। देखा आपने कितना मिनटों में साफ हो गया ना कैरी कटने वाली मशीन। अब आप आराम से उसका टेप भी निकाल दीजिए और देखिए अब कैरी काटिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसी लगी बच्चों ये ट्रिक, मुझे ज़रूर बताइएगा।